की पुत्री देवी रुक्मणी। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को बचपने से पति रूप में स्वीकार कर लिया था कि हे कृष्ण मैं तुम्हें पति रूप में चाहती हूँ। लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मक ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया था। रुक्मणी को शिशुपाल भी जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन रुक्मक ने जब विवाह शिशुपाल के साथ में तय किया तो रुक्मणी जी क्या करती बेचारी। रुक्मणी जी ने अपने प्रिय वर को यानी भगवान श्री कृष्ण को एक कुंकू पत्र लिखा, एक संदेश अपनी भाषा में, और संदेश लिख करके क्या लिखा है, हे प्रिय वर मैं तुम्हारी दासी लिख रही हूँ पत्र तुम्हें मनाने को, तुम जल्दी आना मुझे लेने को। हे प्रिय वर तुम जल्दी से आ जाना मुझे लेने के लिए, यदि तुमने आने में देर कर दी तो मैं मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगी। आज रुक्मणी जी ने सुंदर कुंकू पत्र लिखा। कुंकू पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने पंडित जी को दिया और पंडित जी ने जाकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने पढ़ा कि आज रुक्मणी जी मेरा इंतजार कर रही है, कहाँ पर, माँ कुलदेवी कात्यायनी के मंदिर में, और कात्यायनी के मंदिर में मुझे आज जाना है। कोही कहे राधर, रुक्मणी जी समझ ही नहीं पा रहे कि मैं किसको पत्र लिखूं। कोही कहे राधर, कोही कहे मीरा रो, कोही कहे राधा रो, कोही कहे मीरा रो, कोही कहे यशोदा रो। मैं कलिया लिखू कुमकू पत्रे, कोही कहे गोकुल को, कोही कहे मथुरा को, कोही कहे वृंदावन विशाल। मैं कैया लिखूं कुमकू पत्र। आके बड़े करी पंडित जी को दे दिया, पंडित जी ने जाकर के द्वारकाधीश को दे दिया। आज रुक्मणी जी हमारे बीच में भी आ रही है सारी शक्तियों के साथ माँ कुलदेवी कात्यायनी के मंदिर जाने के लिए। रुक्मणी मैया की जय, भागवत महापुराण की जय हो। वैसे कथा बहुत लंबी है लेकिन हमने संक्षेप में किया है। आज रुक्मणी जी को उसकी सखियां हल्दी लगाती हैं और हल्दी लगा करके सुंदर तैयार करके माँ कात्यायनी के मंदिर जाती है, और कात्यायनी के मंदिर जाकर के रुक्मणी जी बड़ी सुंदर सजती है। अब हम भी रुक्मणी जी के साथ जरा सुंदर सजे। ऐसे वर को क्या वरु, ऐसे वर को क्या वरु, जो वरिये और मर जाए। वरिये गिरधर लाल को जो जुड़ लो अमर हो जाए। रुक्मणी जी कहती है अपनी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। ताली सेवा करते हुए जय हो। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंच गए हो।
बचपन में मेरी बातें चलाई, बचपन में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे जगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे जगाई, जोड़ी जो कब हो न टूटे, सवर दुल्हा जो कब हो न टूटे, सवर दुल्हा जो कब हो न टूटे, जोड़ी जो कब हो न टूटे, जोड़ी जो कब हो न टूटे, सवर दुल्हा जो कब हो न टूटे, सवर दुल्हा जो कब हो न टूटे, अचल सुंदर की दुल्हन बना लो, लाल बसर की दुल्हन बना लो, मुझे मेरे नटवर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे नटवर की दुल्हन बना दो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे
और भगवान श्री कृष्ण रथ से दौड़ लगाते हुए आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगवान आए और आ करके रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका लेकर के पहुंचे हैं। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा, बड़ी धूमधाम से द्वारिका ले जाकर के भगवान का विवाह हुआ। सभी लोग नीचे बैठे रहे, बस भगवान को मंच पर रहने दे और सभी को भगवान की शादी का आनंद लेने दे। इसके बाद में हम एक विवाह गीत गाएंगे। भगवान के हाथ में वरमाला दे दे, बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह होगा। जिसको भी पूजन भी करना है, सब विवाह के बाद पूजन भी कर सकते हैं। शांति से भगवान को विवाह का आनंद ले सकें। सामने खड़े कर दे वरमाला, दे दे सामने खड़े करें, पीछे वालों को भी दिख लीजिए। कृष्णा भैया उधर मुंह भी कर दें, भगवान का मुख उधर करें। जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगला पुंडरीका मंगलास्तवे कस्तूरी तिलक ललाट पटले वस्त्रस्थले वरमोक्षितं करतले वेणुकरणे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनांजुललिता कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो जगते गोपाल चूड़ावणी। देखो भगवान के लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए कह रहे हैं। मधुबरी हो शुभम भाव तो शुभ लगना शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी सावधान सभी ऊपर हाथ लगाकर के बोले सावधान बाजा बजाती सावधान 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 शांताकार भुजग सेना पद्मनाभ सुदेश विश्वास सर्वलोके तदेव लगना